दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स ने दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में कई शानदार स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। बुर्ज खलीफा, मरीना बे, लीनिंग टावर ऑफ पिसा जैसे कई आइकॉनिक बिल्डिंग्स आज मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुके हैं। लेकिन इन बिल्डिंग्स के अलावा भी कई ऐसे बिल्डिंग्स हैं जिनकी बनावट अपने आप में शानदार है, जिनके स्ट्रक्चर्स और शानदार डिजाइनर सच में दिल छू लेते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही शानदार स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे जिनकी खूबसूरती देखने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। नंबर वन, द शंघाई टावर, विनर ऑफ द यूजीन सिविल इंजीनियरिंग प्राइज इन 2018। शंघाई टावर 128 स्टोरीज और 632 मीटर हाइट के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक है। इस बिल्डिंग में दुनिया का दूसरा सबसे तेज एलिवेटर लगा है, जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आर है। दूर से देखने पर ये बिल्डिंग बिल्कुल एक लंबे सिलिंड्रिकल टावर की तरह दिखती है। बिल्डिंग के ऑफिसेज, रिटेल स्टोर्स और दूसरे सेक्शंस को 9 अलग अलग सेक्शंस में बांटा गया है। हर एक सेक्शन के अपने सेपरेट होटल्स, गार्डन्स और कैफेज है। इस बिल्डिंग के हर एक कोने से पुडोंग सिटी के खूबसूरत नजारे दिखते हैं। बिल्डिंग में मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज से लेकर लग्जरी 5-स्टार होटल, बिजनेस एंड कल्चरल सेंटर्स के साथ साथ पार्टी एंड सेलिब्रेशन हॉल्स भी मौजूद है। नंबर 9, कैंसस सिटी लाइब्रेरी, जेडन कंस्ट्रक्शन द्वारा बनाई गई कैंसस सिटी लाइब्रेरी अपने आप में एक बुक सेल्फ की तरह दिखने वाली लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी दरअसल 25x9 फुट के बुक स्ट्रक्चर्स को एक लाइन में रखकर बनाई गई है, इसलिए इस लाइब्रेरी का आर्किटेक्चर दुनिया का सबसे यूनिक आर्किटेक्चर माना जाता है। नंबर 8, द लोटस टेंपल, दिल्ली इंडिया में मौजूद लोटस टेंपल 1986 में ओपन किया गया था। ये टेंपल बहाई का एक प्रतीक है, इसलिए इस टेंपल में सभी धर्मों के देवी देवताओं को पूजा जाता है। ये टेंपल दरअसल एक एलिवेशन पर बनाया गया है जो कि बाहर से रेड सैंडस्टोन से कवर्ड है। टेबल के 9 साइड्स को कुल 27 मार्बल पैडल्स से बनाया है। इनर पैडल्स अंदर की तरफ कर होकर एक अच्छी रूफ बनाते हैं। टेबल की रूफ ऊपर से स्टील और ग्लास की बनी है, जिससे इसके अंदर लाइट इंटर करे से एक लोटस की तरह इल्यूजन देती है। इस टेम्पल को बनाने में $10 मिलियन यानी लगभग 80 करोड़ रुपए लगे हैं। नंबर 7, द टर्निंग टोर्सो, टर्निंग टोर्सो न सिर्फ नॉर्थ की सबसे ऊंची बिल्डिंग है बल्कि ये दुनिया का पहला टर्निंग टावर भी है। ये बिल्डिंग 190 मीटर लंबी है और इसमें 147 अपार्टमेंट्स है। टर्निंग टोर्सो एक मशहूर स्कल्पचर ट्विस्टिंग टोर्सो से इंस्पायर्ड है, जो कि पूरी तरह व्हाइट मार्बल से बना है। ये बिल्डिंग पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी से चलती है, जो सोलर, विंड और जियोथर्मल सोर्सेज से आती है। नंबर 6, वाट समफरन टेंपल, वाट समफरन टेंपल थाईलैंड में बैंकॉक सेंट्रल रोड से 40 किलोमीटर वेस्ट में लोकेटेड है। यह एक 17 स्टोरी का रोज कलर टावर है जो कि एक ड्रैगन से लिपटा हुआ है। इसकी हाइट 80 मीटर है। टेंपल से लिपटा हुआ ड्रैगन ग्लास फाइबर और आयरन से बना है। ये ड्रैगन अंदर से हेलो है और इसके अंदर स्टेयर्स बनाए गए हैं ताकि लोग चढ़कर टेंपल के सबसे ऊपरी हिस्से में पहुंच सके। नंबर 5, एटोमियम, एटोमियम एक 165 बिलियन टाइम्स मैग्निफाइड आयरन क्रिस्टल स्ट्रक्चर को दर्शाता है। ये 102 मीटर ऊंचा है, जिसमें हर 80 मीटर डायमीटर का स्फीयर दूसरे से 3 मीटर डायमीटर की वाइड ट्यूब से कनेक्टेड है। ट्यूब के अंदर एलिवेटर्स लगे हैं जो एक वक्त पर 22 लोगों को कैरी कर सकते हैं और ये सिर्फ 22 सेकंड्स में लोगों को बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचा सकते हैं। ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से स्फीयर्स पर रेस्ट करता है। इसके कई सारे स्फीयर्स को कॉलम सपोर्ट दिया गया है, जिसकी वजह से ये 50 माइल्स तक की विंड स्पीड को झेल सकता है, जो अपने आप में एक कमाल है। नंबर 4, द पियानो हाउस, चाइना की हुआइनान सिटी में मौजूद पियानो हाउस म्यूजिक और आर्किटेक्ट लवर्स के लिए एक दिलचस्प जगह है। इसे हेफेई यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चरल स्टूडेंट्स ने डिजाइन किया है, जिसमें एक ट्रांसपेरेंट गिटार एक बड़े पियानो पर रेस्ट करता है। ये पियानो स्ट्रक्चर 3 कॉन्क्रीट लेग्स पर खड़ा है और इसे ब्लैक ग्लासेज से कवर किया गया है। पियानो बिल्डिंग पर रेस्टेड गिटार क्लियर ग्लास पैनल से बना है और इसके अंदर एस्केलेटर्स और स्टेयरकेसेस है जो गिटार को पियानो बिल्डिंग से कनेक्ट करते हैं। इस शानदार आर्किटेक्चरल डिजाइन को बनाने में $35 मिलियन का खर्च लगा है।
नंबर 3 द डांसिंग हाउस। प्रागुए चेक रिपब्लिक में लोकेटेड डांसिंग हाउस, जिसे जिंजर एंड फ्रेड हाउस भी कहा जाता है। दरअसल ये नाम इसे फेमस अमेरिकन डांसर्स फ्रेड एस्टर और जिंजर रूगर से दिया गया है। ये स्ट्रक्चर अपने यूनिक डिजाइन के लिए जाना जाता है, जिसे कंस्ट्रक्ट करने में 4 साल का समय लगा था। ये हाउस 99 कंक्रीट पैनल्स पर बना है, जिसमें हर एक पैनल का डिफरेंट शेप और डायमेंशन है। हाउस के ऊपर एक ट्विस्टेड मेटल स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसे मैरी कहते हैं। इस हाउस का दूसरा हिस्सा रिवर से पैरेलल है। नंबर 2 नाइटोरोई कंटेम्पररी आर्ट म्यूजियम। नाइटोरोई कंटेम्पररी आर्ट म्यूजियम, जो कि मैक के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत फेमस ब्राजीलियन आर्किटेक्ट ऑस्कर नीमेयर द्वारा डिजाइन किया गया है और इसे 1996 में कंप्लीट किया गया था। इस सॉसर शेप म्यूजियम को ब्राजील के नाइटोरोई शहर में एक क्लिफ साइड पर बनाया गया है, जहां से रियो दे जनेरियो शहर के खूबसूरत नजारे देखे जा सकते हैं। इस म्यूजियम में मशहूर आर्ट कलेक्टर जुआओ सत्तामिनी के 1271 आर्ट कलेक्शंस डिस्प्ले किए गए हैं, जिसे 1950s के दौरान उन्होंने अपने हाथों से अरेंज किया था, इसलिए इसे ब्राजील का दूसरा सबसे बड़ा कंटेम्पररी आर्ट म्यूजियम भी माना जाता है। नंबर 1 द नोटालिस हाउस। मेक्सिको में मौजूद नोटालिस हाउस दरअसल एक शेल शेप एक्वेटिक हाउस है, जहां सबसे ज्यादा एक्वेटिक लाइफ रहती है। इस हाउस के यूनिक डिजाइन को फेरस सीमेंट और स्टील फ्रेम से बनाया गया है, जिसमें चिकन वायर और कंक्रीट का भी इस्तेमाल किया गया है। ये हाउस बायोआर्किटेक्ट का बेहतरीन नमूना है। इसका नाम इसके खास नोटालिक शेल स्ट्रक्चर पर रखा गया है। हाउस के एक सटर्नल वॉल को स्पाइडर वेब डिजाइन दिया गया है, जो इसे एक मेजर अट्रैक्शन बनाता है। हाउस को जमीन से जुड़ा होने के साथ साथ अर्थक्वेक प्रूफ भी बनाया गया है। हाउस के अंदर कई सर्कुलर रूम्स हैं। इसके इंटीरियर में मौजूद फ्लावर काउच और ग्रास मैट्स आपको कुदरत के पास होने का एहसास देती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ सबसे शानदार आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स। आपको इनमें से सबसे यूनिक बिल्डिंग कौन सी लगी, कमेंट्स में बताइए। आप सबके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।